सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध पारामाउंट अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर सजल विश्वास व नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश पाधी ने पूर्णिया के अलसफा नर्सिंग होम में विशेष कैंप लगाकर दर्जनों मरीजों को अपनी सलाह दी। इस मौके पर न्यूरोसर्जन डॉक्टर सजल विश्वास व डॉक्टर राजेश पाधी ने कहा कि यह कैंप लगातार जारी रहेगा। पूर्णिया व कोसी क्षेत्र के मरीजों के इलाज के लिए वह हमेशा तत्पर रहेंगे। प्रेशर और शुगर के चलते रोग का बीमारी, बुढ़ापा में ब्रेन सूख जाने के लिए जो जो बीमारी होता है वो, चमकी का बीमारी और एक्सीडेंट, मतलब मेन उस तरह से देखें तो हम लोगों का सबसे पहले स्ट्रोक, दूसरा नंबर है एक्सीडेंट और तीसरा नंबर है उम्र। उम्र जैसा बढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता सब सूख जाता है, ब्रेन स्पाइन जैसा सूख जाता है, तो जिसको हम लोग अपने भाषा में डिजेनरेटिव डिजीज बोलते हैं उस तरह का। तो रोग तो देखिए इससे पहले भी जब हम आए हैं तो तब भी यही था, अभी भी यही है। रोग तो ऐसे ऐसे ही रहेगा, रोग तो ठीक ही है, जरूर एक्सीडेंट का रोग कम हुआ है हमको लगता है। दूसरा नंबर है स्ट्रोक, जैसे पहले देखे गए थे वैसे ही है, चमकी का बीमारी जैसा था वैसे ही है, लेकिन इससे पहले से काफी बेहतर, पूर्णिया का हेल्थ सिस्टम काफी बेहतर हो गया है। यहाँ पे हम लोग जो सर्व कर सकते हैं, इससे पहले हमको याद है जब हम 2013-14 में आए थे तो सिर्फ माथा दर्द का काफी पेशेंट आता था, जिनमें काफी जन को मैंने हमसे आने के बाद उन लोगों को पता लगा कि उनको ब्लड प्रेशर का शिकायत है, जो इस बार या अभी काफी कम हो गया है। तो हेल्थ अवेयरनेस पूरा इस एरिया में, बिहार में और इधर पूर्णिया जिस एरिया को ड्रेन कर मैंने जिस एरिया को क्रेटर करता है वहां पे हेल्थ अवेयरनेस तो काफी अच्छा हुआ है। महीना में 2 बार आने वाले हैं करके हम लोगों के, पहले भी हम लोग अपना न्यूरो और गैस्ट्रो का पहले हम लोग चालू किए थे। देखिए हम लोग ख्वाजा नदीम के पास यहाँ पे जो अलसफा जो नर्सिंग होम है यहाँ पे हम लोगों के पास हम लोग का नंबर है। यहाँ पे हम लोग के पैरामाउंट के नियोगी जी हैं जो लोकली अवेलेबल हैं, उनका नंबर मोटा मोटी सब मेडिसिन के दुकान में आपको मिल जाएगा, तो थ्रू उनके ही आपको करेक्ट सलाह मिल जाएगा कि किस समय हमें फोन करके डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। वैसे तो अच्छा ही लग रहा है, नया जगह है मेरे लिए। और किडनी बीमारी मैंने शुगर डायबिटीज होता है उससे, और आई बी पी हाइपरटेंशन से होता है जनरल, और इसके लिए तो रेगुलर जाँच जरूरी है, क्योंकि जो पेशेंट को शुगर होता है वो पहले तो पता नहीं चलता है, जब पता चलता है काफ़ी देर हो जाता है। तो शुगर की बीमारी के पेशेंट को हर साल में एक बार, एटलीस्ट एक साल में एक बार किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि जब किडनी इफेक्ट होता है डायबिटीज़ में या ये अपना शुगर की बीमारी में, वो धीरे धीरे होता है, और पहला का जो स्टेज होता है अगर उसमें पता चल गया कि किडनी इफेक्ट है तो हम उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन जब पेशेंट को खुद को पता चलता है कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, जैसे कि हाथ पैर फूलना, पेशाब कम होना, उल्टी होना, खाने का इच्छा नहीं होना, ये जब सिम्टम आ जाता है पेशेंट को, तब अगर वो हमारे पास आए हम कुछ नहीं कर सकते, उसका लास्ट स्टेज हो जाता है, उसमें डायलिसिस कर सकते हैं या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट जैसे कि हर वक्त शुगर चेक करता है, मतलब 6 महीना या 3 महीने में एक बार शुगर चेक करता है, उसी के हिसाब से इंसुलिन लेता है क्या दवाई खाता है, उसी तरह से किडनी के लिए भी टेस्ट करना चाहिए, और वो टेस्ट बहुत पहले शुरू होना चाहिए। जिस समय वो शुगर की टेस्ट कर रहा है उस समय किडनी की जांच भी कर लेना चाहिए। वहीं पारामाउंट अस्पताल के एरिया मैनेजर ने कहा कि गरीब व बुजुर्ग मरीजों का इलाज पारामाउंट हॉस्पिटल सिलीगुड़ी में किफायती दरों पर किया जाएगा। के पूर्णिया और ये कोसी क्षेत्र का जो पेशेंट या रोगी जो आएंगे उनमें से जो बीपीएल हो गए होंगे बिलो प्रॉपर्टी लाइन में, अर्थात बहुत गरीब पेशेंट होंगे, या फिर जो सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक जो होंगे, उनके लिए हम लोग एक विशेष पैकेज, एक छूट, एक कंसेशन रखे हैं, लेकिन प्रॉपर कायदे से उनको आना होगा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के साथ, और दूसरे है प्रॉपर आधार कार्ड के साथ, तो हम लोग इसमें विशेष पैकेज रखेंगे उन लोगों के।